RSS is a, you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood. राहुल गांधी जब तक भारत में थे तब तो सिर्फ कौरवों से आरएसएस की तुलना कर रहे थे, लेकिन विदेश जाकर इनके पर ही निकल आए। ब्रिटेन जाकर राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से कर दी। तो आइए आपको बताते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड है क्या। मुस्लिम ब्रदरहुड का मुख्य मकसद है शरिया के आधार पर ही सब कुछ चलाना। ओसामा बिन लादेन और ISIS जैसे आतंकवादी मुस्लिम ब्रदरहुड की सोच से ही पैदा हुए हैं, क्योंकि इस संगठन के तार इतने आतंकी संगठन से जुड़े हैं कि इजिप्ट जहां इस संगठन की स्थापना हुई थी उसने भी इस संगठन को बैन कर दिया है। उसके साथ साथ सऊदी और UAE जैसे बड़े अरब देशों ने भी इस संगठन को बैन कर दिया है। और फिर भी ऐसे संगठन से RSS की तुलना करने के पीछे राहुल गांधी का क्या मकसद हो सकता है वो हर कोई समझ सकता है। RSS तो धर्मनिरपेक्ष संगठन है जो देश की राष्ट्रवादी सोच को आगे बढ़ाता है, और तो और देश के हर एक नागरिक के अंदर इस सोच को पैदा करना चाहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से पहले हम भारतीय हैं। लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड की सोच बिल्कुल अलग है। मुस्लिम ब्रदरहुड शरिया को मानता है तो RSS देश संविधान को मानने वाला संगठन है। जिस RSS की तुलना राहुल गांधी ने मुस्लिम ब्रदरहुड से की है, आइए आपको बताते हैं उस RSS ने देश के लिए क्या किया है। RSS का योगदान। असम में आई बाढ़ हो या केरल में आई भारी बाढ़ हो या फिर उत्तराखंड में आई भयंकर बाढ़, संकट मोचन बनकर तब उनकी मदद को सबसे पहले स्वयं सेवक पहुँचे थे। राहुल बाबा की कांग्रेस की तरह नहीं, जो बाढ़ के समय राहत सामग्री से लदे ट्रकों को तब तक रोक कर रख लेते थे जब तक राहुल बाबा छुट्टियों से वापस आकर उनको हरी झंडी नहीं दिखा दें। तो असली गौरव कौन, सबसे पहले पहुँचने वाले स्वयं सेवक या राहत सामग्री को रोकने वाले राहुल गांधी। कोरोना काल में सेवा, जब पूरा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था उस समय भी RSS के लोग जमीन पर उतर कर लोगों की सहायता कर रहे थे। RSS के 85 साल के बुजुर्ग स्वयं सेवक ने तो दूसरे मरीज के लिए अपना बेड तक छोड़ दिया था। जिस समय ये सब चल रहा था उस समय राहुल गांधी अपने बंगले में बैठ कर विदेशी वैक्सीनों की वकालत कर रहे थे। तो असली गौरव कौन, कथित बुद्धिजीवी जावेद अख्तर ने RSS की तुलना तालिबान से की, उस तालिबान से जो लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देता। लेकिन RSS के लोग तो स्कूल खोलकर बच्चों को शिक्षा देते हैं, उस तालिबान से तुलना की जो लोगों को मार देता है। लेकिन RSS के लोग तो राहत शिविर लगा लोगों की जान बचाते हैं, फिर तालिबान RSS जैसा कैसे हो सकता है। कांग्रेस ने RSS के पोशाक को जलता हुआ दिखाया, उस कांग्रेस ने जिसने 1984 के दंगे में पूरे देश को जलाने का काम किया। कांग्रेस ने 26/11 जैसे आतंकी हमले को RSS की साजिश बताया, उस RSS पर आरोप लगाया जिसके स्वयं सेवकों ने 1947 के बंटवारे के समय कश्मीर में अपनी जान की कुर्बानी देकर पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ को रोकने का काम किया। कांग्रेस ने उस RSS के साथ साजिश किया जिसे खुद पटेल जी ने मदद मांगी थी कश्मीर में महाराजा हरि सिंह को मनाने के लिए। देश सेवा नहीं तो और क्या है, देश सेवा का और क्या प्रमाण होता है, देशभक्त और कैसे होते हैं, क्या ये देशभक्ति नहीं है। लेकिन जिस पार्टी ने सिर्फ देश को लूटा है वो RSS के सेवा भाव को क्या समझेगी। जो पार्टी हमेशा हिंदू विरोध में आगे रही है वो सनातन की विचारधारा वाले RSS को क्या समझेगी। राहुल गांधी के इस इंटरव्यू को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि बोल भले ही राहुल गांधी रहे थे लेकिन शब्द वामपंथियों और जॉर्ज सुरेश से फंड लेने वाले देश विरोधी संगठनों के थे।